मैंने तो वोट भी उस पर ही दिया था आप। क्यों बीजेपी को क्यों नहीं दिया? बीजेपी पसंद ही नहीं थी ना। बीजेपी पसंद ही नहीं आपको क्या लगता है बीजेपी अहंकारी हो गई है? हाँ कह सकते हैं हो गई है। एब्सोल्युटली जैसे जैसे जीतते जा रहे हैं उनको लग रहा है कोई हरा ही नहीं सकता हमें। और उल्टे सीधे बयान कुछ भी देके वो सोच रहे हैं बस कोई है ही नहीं। इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही है कि आफ्टर 2019 जनरल इलेक्शंस ये जो भी हार हुई है ये एक तरीके से मोदी की हार है बीजेपी की नहीं। आपको इस पे क्या लगता है? इसमें ये मोदी की हार नहीं है। मोदी की नहीं, मोदी को नहीं कहेंगे क्योंकि अपनी तरफ से वो कर रहा है ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली वो कैंडिडेट्स ही ऐसे उतारते हैं कि कोई पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं। हमारे इलाके में भी ऐसा उतारा हमें पता ही नहीं कौन है वो। इवन मतलब हमारे दूसरे इलाके में हाँ तो, और बाकी केंद्र की बात रही तो उसमें तो मोदी नहीं आना। आप क्या हैं? नहीं ये मोदी की हार नहीं है क्योंकि मोदी ने जो नेशनल लेवल पे जो काम किए वो काफ़ी सही किए हैं। पर अगर हम दिल्ली की बात करें क्योंकि ये दिल्ली के चुनाव थे, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में केजरीवाल ने काफ़ी सही काम किया है। तो इस वजह से बीजेपी कहाँ पे पीछे रह गई दिल्ली में? बीजेपी इसका अगर प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देखें तो किसी भी अगर किसी भी स्टेट में हम बात करें तो इतना खास उन्होंने कुछ काम करा नहीं है। और बस गुजरात को छोड़ के क्योंकि वो उनका गढ़ था तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम करा है। बट अगर किसी भी स्टेट में देखें तो ऐसा कुछ खास काम नहीं करा जिसको जिससे उनको वोट बैंक उनका बढ़े, बट ऐसा कुछ काम था नहीं। रीजन सीधा सा डेवलपमेंट का है। बीजेपी की सरकार जो है अभी जो है कॉरपोरेशन में है, कॉरपोरेशन में जो है इन्होंने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया। और उसके आप विपरीत देखिए आम आदमी पार्टी ने फिलहाल पिछले 6 महीने में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट किए, कुछ पब्लिक सुविधाएं दी, उससे जो है काफ़ी फर्क पड़ा है आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में। तो मैं तो एक और सबसे एक और मेन ये रहा है बीजेपी का कि बड़ बोले बचन। अब की जिस हिसाब से बीजेपी के नेताओं ने जो कमेंट्स किए वो ठीक नहीं थे, चाहे वो केजरीवाल आतंकवादी हो, एक चीफ मिनिस्टर कैसे हो सकता है आतंकवादी जी। और इंटरनेशनल मीडिया जो है उसमें कल से ही खबरें आ रही हैं कि जो बीजेपी जीत हार गई यहाँ पे उसकी सबसे बड़ी वजह नरेंद्र मोदी थे, और एक तरीके से ये बीजेपी की नहीं नरेंद्र मोदी की हार है ऐसा पेश किया जा रहा है बाहर। आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो गलत चीज़ है। नरेंद्र मोदी अपने आप में एक आइडियल है और देश के लिए जो है एक शुभ संकेत है। नरेंद्र मोदी की सरकार को आने वाले 20 साल में कोई नहीं हिला सकता, ये गारंटेड है। और नरेंद्र मोदी के आगे कोई भी राजनीतिक पार्टी टिक नहीं सकती। नहीं यार की वजन तो देखो, ये एक तो हर जगह पर हिंदू और मुसलमान किया जा रहा था। हाँ। तो जनता ये चाहती थी कि देखो जो राष्ट्र हिंदू अगर कुछ सोचेगा इस बात के लिए वो तो इस बात के लिए सोचेगा कि चलो मैं राष्ट्र हिंदू, लेकिन इसमें ये मुद्दे में सक्सेस हो नहीं पाए बीजेपी वाले। तो जनता ने तो वही रखा, एक शाहीन बाग वाला था। हाँ। उसके बाद में केजरीवाल को बोलते हैं कि भाई ये तो एक उग्रवादी है, तो ये एक इशू बन गया जनता को। हाँ। ऐसे तो हर कोई आदमी किसी को बोल देगा ये उग्रवादी है। हाँ। तो इट इज़ नॉट गुड शो। तो जब हम बात कर रहे थे चुनाव से पहले तो जो बीजेपी समर्थक थे वो हमेशा ये कहते हुए नजर आए कि राष्ट्रवाद बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं भी मानती हूँ कि राष्ट्रवाद बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या दिल्ली के चुनाव में जनता ने ये बता दिया कि बिजली ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है, और राष्ट्रवाद को एक तरीके से हम कहें तो दिल्ली की जनता ने नकारा? देखो राष्ट्रवाद एक अलग चीज़ होती है। मैं हूँ इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट। हम ये चाहते हैं कि चलो ठीक है, सब जनता हर चाहती ये चाहती थी कि गरीब आदमी के पास में क्या है, उसके 2000 रुपये बचते हैं सपोज बिजली के पानी के, उसके लिए इतना सफिशेंट है, उसके लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, उनके लिए इतना ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इन्होंने क्या है, बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, बसों में लेडीज़ को भाई फ्री कर दिया, तो ये मुद्दा इसका सक्सेसफुल हो गया। बीजेपी का जो बड़बोलापन है क्या आपको लगता है ये वजह रही हारने की? नहीं ये तो है ही है। हाँ। देखो हर आदमी देखो कोई कुछ भी बोल दे। हाँ। तो इज्जत के हिसाब से बोलना चाहिए। हाँ। ये जैसे केजरीवाल शुरू में बना था। हाँ। तो ये क्या चाहता था कि अभी तो सीएम बन गया। हाँ। अभी पीएम बन जा। हाँ। लेकिन नहीं चल सकता। हाँ। देखो जनता ये चाहती थी कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल सीएम रहे और सेंटर में मोदी पीएम रहे, ये जनता का दिल था। और अगर हम इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, द गार्डियन जैसे बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स इंटरनेशनली हैं वो ऐसे पेश कर रहे हैं कि जो ये हार है दिल्ली की वो एक तरीके से नरेंद्र मोदी की हार है, और
ये नरेंद्र मोदी की एक तरीके से छीछा लेदर हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में, आप इस पे क्या कहेंगे? देखो ऐसा नहीं होता, कोई भी कुछ भी बोल दे मीडिया वाले, तो उसकी थोड़ी है। नरेंद्र मोदी की हार कैसे हो सकती है? नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री की हार कैसे हुई? ये कहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब ये सवाल उठे थे कि केजरीवाल वर्सेस कौन, दिल्ली में सवाल पूछा गया कि केजरीवाल वर्सेस कौन, तो बार बार बीजेपी की तरफ से आया था कि नरेंद्र मोदी ने काम करा है, नरेंद्र मोदी ने सब कुछ करा है, तो इसीलिए ये सवाल उठना तो लाजमी है कि अगर आप जीत के हीरो बनते हैं तो आप हार के भी विलेन हैं। नरेंद्र मोदी, एक बात बताओ, दिल्ली में काम किसने करना है? सीएम ने, वो तो आपने बताया, वो तो बीजेपी ने बताया ही नहीं करना ना, पीएम ने तो नहीं करना। कांग्रेस के टाइम पे 15 साल राज किया शीला दीक्षित ने, उसके काम को किसी ने देखा? जनता ने देखा? पिछली बार एक भी सीट नहीं आई और इस बार भी एक भी सीट नहीं आई, मतलब कांग्रेस पार्टी का इतना ग्राफ नीचे गिर गया कि उसको एक भी सीट नहीं आई। क्या 15 साल कांग्रेस ने काम नहीं किया था? काम किया था ना, तो ये जो DND फ्लाईओवर जो बने ये कांग्रेस की देन थी। सेंटर में उनका बैठा था, स्टेट में उनका बैठा था, काम किया उन्होंने। काम करने के बाद में तो जनता को ये काम जो गरीब तबका है ना, इसको फ्लाईओवर से, DND से, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपनी गरीबी के हिसाब से, भाई मेरे 2000 रुपये बच रहे हैं, किरायेदार है, उसके फ्री के पैसे बच गए, पानी के बच गए, बिजली के बच गए, उनकी लेडीज उन्होंने कहीं भी जाना है वो फ्री में चली गई, झाड़ू पोछे वाली है कोई भी है, आया वगैरह मेड वगैरह वो कहीं से चलती है, कहीं दूसरी जगह काम करने के लिए जाती है, उसके लिए तो इतना है 1000-2000 रुपये उसके लिए बच गया, इतना सफिशिएंट है। हार की कोई खास वजह नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो काम जो है वो जीत का वजह बना अरविंद केजरीवाल की, और बीजेपी तो पहले से ही हार मान चुकी थी दिल्ली की। नहीं, मुझे याद है, मैं खुद कवर कर रही थी, तो जब गिनती हो रही थी तो दोपहर में 11 बजे तक जो मनोज तिवारी हैं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, वो 11-1 बजे तक कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं, 48% हम जीत रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। वो एक अंदाज लगा रहे थे, वो अंदाज लगा रहे थे, लेकिन वो नहीं हो सका, वो खरा नहीं उतर सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने काम करके दिखाया दिल्ली में जनता को, उसी का इनाम मिला है अरविंद केजरीवाल को। बीजेपी कहाँ पीछे रह गई, क्योंकि मुझे लगता है बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी इस चुनाव में, क्योंकि अमित शाह ने हर जगह रैली की थी, नरेंद्र मोदी खुद आए, योगी आए, फिर भी क्यों हार गई बीजेपी? पहले तो अमित शाह का जादू चल रहा था, लेकिन झारखंड के बाद से फिर पता नहीं जादू में क्या हुआ, वो परिवर्तन हो गया, फिर दिल्ली भी हार गए, झारखंड भी हार गए, अब पता नहीं क्या बीजेपी में, पता नहीं अंदर में कुछ है उनके, अंदर में कुछ चल रहा है, अंदर में कुछ कलह है, उस पता नहीं चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भी अब हटने वाले हैं, इस्तीफा देने वाले हैं, मैंने सुना है, पेशकश की है, लेकिन हमको लगता है किसी को दूसरे को रिप्लेसमेंट मिलेगा, जगह तो मिलनी चाहिए। और मनोज तिवारी भी अब काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, वो तो खुद से इस्तीफा दे देंगे, हमारे हमको संभावना ऐसी लग रही है। मैडम उसने तो बीजेपी ने तो हार नहीं था, ये चीज़ है, वो काफ़ी टाइम से जीत ही रही थी, आपको ही पता है, उन्होंने तो हार नहीं था, ये चीज थी, तो कुछ कर तो रहे थे नहीं, मोदी तो कुछ कर नहीं रहे थे, आपको ही पता, सबको ही पता है वो तो, और केजरीवाल ने सब कुछ करा, सारी दुनिया एक तरफ हो गई और उनके साइड में कोई भी नहीं था, उनके 50 बंदे तो उधर करोड़ों बंदे तो बंदे जीते गई ना, आपको भी पता है, तो 50 बंदे थोड़ी जीतेंगे, ये चीज थी। इतना बड़ा बड़ा नाम भी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी, पता नहीं कौन को, हर कोई आया था यहाँ पे, तो भी क्या लगता है आपको किस वजह से हार गए? कोई तो वजह रही होगी, आपको क्या लगता है? मैडम मेरे को तो यही लगता है, इसी वजह से दुनिया सब यही कह रही थी, कुछ करा नहीं है, समझ लो एक तरह से इन्होंने खाली बातें ही बातें करते थे, बातों के सिवा आगे कुछ करा नहीं, आगे कुछ करते था तो ये जीत पाता, मानते, इसने कुछ करा नहीं, लोगों के कैसे कहते थे खाते खुलवाऊंगा, उसके अकाउंट में बैलेंस डलवाऊंगा, कभी कुछ करवाऊंगा, कभी कुछ करवाऊंगा, उन्होंने कुछ करवाया नहीं, तो इसी वजह से वो हार गए। फरी बांटने से वोट मिल जाए, ऐसे देश नहीं चल सकता। ये फरी बांटने से जो लोग कह रहे हैं, और भाई हमने मोदी ने खाते में पैसे नहीं गिरे, कर्म करना पड़ेगा ना जी, कर्म करने से आदमी बेड़ा पार हो सकता है। फिर क्यों हार गई बीजेपी फिर? ऐसा ना जी, ये जो ना कांग्रेस की जो वोट थी, ये दोनों अंताल में मिला लिया, ये सरनाथ केजरीवाल फरी करने से वोट थोड़ी मिलती है जी। अब हरियाणा में इलेक्शन लड़ा, हम बता देंगे उसको कैसे इलेक्शन लड़ता है। यहाँ तो मैम ऐसा है, यहाँ तो बिल्कुल
कुछ नहीं, दिल्ली नर्क होगी बिल्कुल, कुछ नहीं रहा। तो सब लोग तो आए थे सर, नरेंद्र मोदी, योगी, अमित शाह, सब लोग आए, इतनी ताकत झोंकी गई तो भी 8 सीटों पे समेट गए। ऐसा मेरी तरह ये है कि जो कैंडिडेट है ना उसने अपने आप ही चुनाव लड़ना चाहिए, ये किसी को बुलाने से नहीं सत्ता मिल सकती। ये जो रैलियां हैं ये सब हमारी सोच है बंद होनी चाहिए, जो कैंडिडेट हो अपने आप इलेक्शन लड़ना चाहिए। 62 सीटें फिर से आ गए केजरीवाल को, काम किया इसलिए तो आए हो? मैडम सब फ्री की बस, फ्री लेडीज फ्री कर दी, जो मैडम 1 लाख रुपए तनख्वाह ली हुआ भी फ्री घूम रही है, तो ऐसे थोड़ी चलता है देश, कैसे चलेगा? अब अगले 5 साल भी तो क्या इसी में होता है ना, हम तो हरियाणा में इस चीज को एक भी वोट नहीं डालते कभी भी, एमएलए भी उठाए एमपी भी उठाए, हरियाणा में इसको हमने निकाल दिया बिल्कुल, उसके डोल में एक भी हुआ। यहाँ तो सब फ्री के चक्कर में ना जी, सब कॉलोनी हम देखो सब पैसे ले ले वो वोट दे देते हैं लोगों, नहीं समझा ऐसे देश नहीं चलता। फ्री से आप हम जैसे खाना खा रहे हो भी, हमने जमींदार का कोई अपने देश के लिए सोचा कभी? केजरीवाल है ना जी, 5 साल कभी मंदिर में नहीं आया, अब 2 दिन मंदिर में आया, पहले कहाँ था? ये नहीं होता, ये हिंदुत्व की बात होता है दिल्ली, क्यों भाई आया कभी 5 साल? हाँ, केजरीवाल ने इधर लोगों के लिए ज्यादा काम किया, सब कुछ फ्री, बहुत कुछ सुविधा दिया दिल्ली वालों को इसी के लिए। अगर मैं स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के मामले में तो काफी अच्छा काम किया है, एलएनजेपी अपने डॉक्टर है, तो मैं लोकनायक हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ, वहाँ पे फैसिलिटीज तो बहुत अच्छी हो गई है पिछले 5 साल में, मैं तो 3 साल से हूँ, मैंने देखा है काफी इम्प्रूवमेंट हुई है स्कूल और हेल्थ के मामले में, तो बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है नो डाउट। और जो ये इंटरनेशनल मीडिया कह रही है कि ये बीजेपी की हार है, एक तरीके बीजेपी की हार नहीं नरेंद्र मोदी की हार है, ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है? नहीं, ये तो कैंडिडेट टू कैंडिडेट होता है, ऐसे कोई जनरलाइज तो हम नहीं कर सकते हैं, ये बीजेपी की हार नहीं है, नरेंद्र मोदी की हार है, ये तो नहीं कह सकते। जो में तो वो तो अच्छा काम कर रहा है।